आज ही हमारे पास बजाज की डोमिनोर 400 जो कि टूरिंग सेगमेंट की एक कमाल की बाइक है। जिन्हें टूरिंग वगैरह करना पसंद है, लंबी दूरी पसंद है, उनके लिए स्पेशली डोमिनोर 400 है। ऐसा नहीं कि इसको शहर में नहीं चला सकते, आप शहर में भी चला सकते हैं, शहर से बाहर भी लेकर जा सकते हैं। और अगर आप लंबी दूरी जाना चाहते हैं, जैसे लेह लद्दाख वगैरह जाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन वगैरह करी गई है। और कंपनी का ऐसा मोटो भी है कि मतलब हमने एक टूरिंग बाइक बनाई है 400 cc की, काफ़ी पावरफुल इंजन के साथ दिया है, पावर और टॉर्क कमाल का दिया है। चलिए अब 2024 में देखते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, प्लस कंपनी ने नई कीमत क्या रखी है। ये डोमिनोर अरोरा ग्रीन कलर, काफ़ी खूबसूरत कलर ये लगता है। देखिए ये एक स्पेसिफिक कलर है, बहुत लोगों को पसंद आएगा और बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। अब आपकी बारी है, कमेंट में जाके बताइए कि ये कलर आपको कैसा लग रहा है। और इसके जस्ट बगल में दूसरा कलर भी खड़ा है, वो वैसे वो वाला कलर सबसे ज़्यादा बिकता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे बड़ी सी विंडशील्ड आपको मिलती है। आगे जो इसका मेन हेडलाइट है उसकी मैं क्या ही तारीफ करूँ, ये तो फुली जो है LED शुरू से ही आ रहा है। और विजिबिलिटी तो कमाल की है, बहुत तगड़ा उजाला इससे समझ में आता है। तो नो डाउट कि फुली डिजिटल फुली LED हेडलाइट होने की वजह से कोई विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सस्पेंशन कैसे हैं, क्योंकि पहाड़ों और चट्टानों पर अगर चलाना होगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे USD फॉर्क मिलता है, टेलीस्कोपिक USD फॉर्क, अपसाइड डाउन सस्पेंशन, 43mm फॉर्क और 135mm ट्रेवल के साथ आता है। सस्पेंशन सेटअप इसका काफ़ी तगड़ा है, नो डाउट, इस पर कोई डाउट नहीं करना है। ब्रेक कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। आगे जो डिस्क है इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है, 320mm का डिस्क है और इसमें आपको ABS की चैन भी मिल जाती है। बता दूं आपको कि इसमें डुअल ABS मिलता है, ये अच्छी बात है। ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है इसमें, अगर आप दोनों ब्रेक एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो ABS आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा। प्लस दोनों डिस्क जो है कॉम्पैक्टली आपको अच्छे से ब्रेकिंग सपोर्ट देंगे और आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी तगड़ा आएगा। आगे जो आपने टायर देखा है वो 110/70 का है, 110/70 का 17 इंच का जो है आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है। टायर की चौड़ाई आगे वाली ही काफ़ी परफेक्ट है, तो पीछे की परफेक्ट तो होगी ही होगी। यहाँ पे स्विचेस आपको वही पुराने वाले मिलते हैं, यहाँ पर कंपनी ने 2024 में कोई भी नया तब्दीली नहीं किया है, सब कुछ आपको वही पुराना वाला सेटअप कंपनी लगा कर देती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर हैंडल जो आपका हैंडल है उसके आगे जो आप लीवर हो गया या फिर ब्रेक क्लच हो गया उसके आगे आप देखेंगे तो प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है, ये ठंड वगैरह में काफ़ी प्रोटेक्ट करता है हमारे हाथ को। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे इंजन की स्विच आगे जो है आपको एक लाइट लिए स्विच और नीचे आपको जो है सेल्फ स्विच मिल जाता है। अगर इसके मीटर कंसोल की बात करें तो शुरू से कंपनी ने इसके मीटर कंसोल पे बहुत तगड़ा काम किया है। नो डाउट अंदर ब्लू कलर की आपको बैकग्राउंड मिलता है, ऊपर आपको नेगेटिव डिस्प्ले टाइप पूरा देखने को मिलेगा। इसमें ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम फ्यूल इंडिकेटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड करती है। मैं इन्फॉर्मेशन को लेकर कोई भी इसमें शिकवा शिकायत नहीं करूंगा। हाँ, जिनको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो थोड़ा सा सीन अलग हो जाता है, अदरवाइज सारी चीज़ में आपको बहुत परफेक्ट मिलती है। उसके जस्ट नीचे आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की सुविधा भी मिल जाती है, आप चलते बाइक पे अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। तो कंपनी ने इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखा है कि अगर लंबी दूरी तय करनी है तो नो डाउट कि हमें फ़ोन वगैरह चार्ज करने पड़ेंगे ताकि हम अपना नेविगेशन का इस्तेमाल करके आगे की दूरी तय कर पाएँ। यहाँ पे एक दूसरा डिस्प्ले भी आपको मिलता है जस्ट फ्यूल टैंक के ऊपर, जिसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया, टाइम हो गया और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ट्रिप वगैरह मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको फ्यूल टैंक के ऊपर मिलती है, इसको भी देखने में मुझे लगता है कि ठीक है, ये अगर ये ऊपर ही कंसल्ट कर देते तो अच्छा है, बट नो डाउट कि थोड़ा सा प्रीमियम लगता है कि 2-2 मीटर कंसोल मेरे को देखने को मिल रहा है। ठीक है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 13 लीटर का फ्यूल टैंक कंपनी लगा कर देती है। 13 लीटर ठीक है, इनफ है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन लंबी दूरी पे अगर आपको जाना है तो आपको जैरी कैन वगैरह अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। लेह लद्दाख में बड़ी प्रॉब्लम होती है पेट्रोल वगैरह की, मैं खुद गया हूँ, मुझे पता है आपको 100-100 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप कहीं पे नहीं मिलेंगे, तो इस चीज़ का आप बखूबी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की प्रोफाइल, अब आगे की मैं बात करूँ तो जो इसमें इंजन है वो आपको 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल ट्रिपल स्पार्क का इंजन कंपनी लगा कर देती है। 373 cc 373.3 cc का इंजन कंपनी लगा कर दे रही है। मैक्स पावर आपको 40 यानी कि 40 PS की मिलेगी 8,800 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो 35 यानी कि 35 Nm का मिलेगा 6,500 RPM पे, 6,500 RPM पे। ठीक है, तो पावर और टॉर्क तो वाकई में बहुत सफिशियंट है, नो डाउट आपको बहुत कमाल का जो है पिकअप और बहुत कमाल का जो है टॉर्क वगैरह फील होगा। ठीक है, अभी सीटिंग कंफर्ट की मैं बात करूँ तो जो चलाएंगे उनको बहुत अच्छी कुशनिंग कंपनी ने प्रोवाइड किया है, और जो पीछे बैठेंगे उनको हल्की सी हार्ड कुशनिंग है। और पीछे आप ये जो ग्रैब रेल के पीछे सपोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपना एक बॉक्स पूरा सेट करवा सकते हैं ले जाने के लिए। और पीछे जो प्रोफाइल है यहाँ पे भी डिस्क लगा हुआ है, 230mm का डिस्क है और ABS की चैन वहाँ पे भी आपको मिल जाती है। डुअल ABS डुअल डिस्क, आपको कमाल की ब्रेकिंग देखने को मिलेगी। पिछला टायर काफ़ी चौड़ा है, 150/60 सेक्शन का है, 150/60 वाला प्रोफाइल का ये टायर है और ये 17 इंच का रेडियल ट्यूबलेस टायर है।
यहाँ पर डुअल मफलर एग्जॉस्ट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, साउंड भी काफी अच्छा है। पीछे जो सस्पेंशन है वो आपको मिलता है मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक विद नाइट्रॉक सस्पेंशन। अब ये कलर कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसमें 6 गियर ऑप्शन आपको मिलते हैं। माइलेज की मैं क्या ही बात करूं, काफी बड़ी बाइक है तो ठीक है, हाईवे पे आपको 25 से 30 का माइलेज आप निकाल सकते हैं, लेकिन सिटी में आप 25 के ऊपर का माइलेज में नहीं निकाल पाएंगे। इस बाइक का जो वजन है वो 193 किलोग्राम की है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 7 किलो कम है, अदरवाइज 2 क्विंटल ये टच कर रही है, तो काफ़ी हैवी बाइक है, तो आपके पैरों में और जांघों में थोड़ी ताकत वगैरह होनी चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस 157 mm है, ये थोड़ा प्रश्न उठाता है कि क्या हम इसे लेह लद्दाख लेकर जा सकते हैं, पहाड़ी जगहों पे लेकर जा सकते हैं। डेफिनेटली आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि सस्पेंशन क्वालिटी बहुत सॉफ्ट वाली नहीं है कि जैसे ही हल्का सा लोड पड़ेगा तो गच्चे से बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़े स्टिफ है तो ये एडजस्ट कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब ग्राउंड क्लियरेंस मैंने बता दिया, लंबाई इसकी 2156 mm की है। इसमें आपको स्लीपर क्लच की सुविधा मिलती है, ये बड़ी अच्छी चीज है, आप अचानक से डाउन शिफ्टिंग करना चाहें तो छठवें गियर से पहले या दूसरे गियर पे आना चाहे तो आप आराम से आ सकते हैं। LCD डिस्प्ले मैंने आपको बताया, और फैक्ट्री फिटेड टूरिंग एसेसरीज भी आपको इसमें मिल जाएंगे अगर आप फैक्ट्री फिटेड चाहते हैं सारी चीज़ें। टॉल वाइजर मिलता है, हैंड गार्ड मिल जाता है, इंजन बेस प्लेट मिल जाता है, USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, लेग गार्ड मिलता है, कैरियर प्लस बैक स्टॉपर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चाहें तो इसमें जो है लगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, हमें उम्मीद है कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम कीमत पे फोकस करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा कि 2024 में जो इसकी नई एक्स शोरूम प्राइस है वो है 230,815 रुपये, 230,815 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, और ये ऑन रोड आपको पड़ जाएगी 270,000 से लेकर 280,000 के बीच में, 270,000 to 280,000 के बीच में ये कंप्लीट ऑन रोड आपको मिल जाएगी। तो कोई डाउट होगा डोमिनोर 400 को लेकर तो फटाक से कमेंट से हमसे पूछ लीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा।